Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Richard Corey written by Edwin Arlington Robinson जिसका बर्थ हुआ था 1869 में और डेथ हुआ था 1935 में। ये एक नरेटिव पोएम है। इस पोएम का स्पीकर है एक मामूली सा गरीब लोअर क्लास बंदा जो कि मिडिल टाउन में रहता है। उस टाउन में रिचर्ड कोरे आ जाता है रहने के लिए। यहाँ पर स्पीकर के फ्रेंड्स और स्पीकर ताड़ रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं रिचर्ड कोरे को, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन लगता था। वो उसको देखकर एंजॉय करते थे क्योंकि वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहता था, दूसरों से पोलाइटली बातें करता था और जो ज्वेलरी पहनता था वो बिल्कुल सूरज की किरणों से मिलकर चमकने लगती थी। एक तरीके से देखा जाए तो ये किंग से भी अमीर था। इसकी जो पोलाइट बिहेवियर थी वो सभी के दिलों पर राज कर रही थी। एक वक्त स्पीकर को भी लगता है जेलस, समझ रहे हैं आप, उसको से जेलस लगता है रिचर्ड कोरे से, वो जलन करने लगता है। क्योंकि जो बंदे जो इंसान काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अफोर्ड कर रहे हैं ब्रेड, नॉट मीट, सिर्फ ब्रेड अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड कोरे काम भी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो सब अफोर्ड कर पा रहा है। तो एक दिन स्पीकर को सुनने में आता है कि रिचर्ड कोरे घर जाता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। फिर बाद में पता चलता है सबको कि रिचर्ड कोरे एक कैरेक्टर स्केच है ऑफ अ लेजेंडरी कैरेक्टर जो कि रहता था नेटिव टाउन ऑफ गार्डिनर मेन। ओके दोस्तों, तो ये पोयम हमें रिच लेजेंडरी जेंटलमैन की लाइफ के बारे में बताता है। रिचर्ड कोरे एक बहुत अमीर आदमी का बेटा था, तो रिचर्ड कोरे सभी लोगों का आइडियल और ड्रीम बन चुका था उस समय। लेकिन भाई ये खुद को एक दिन अपने आप मार लेते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, और इसके मरने के बाद पूरे पोएट में ये चीज़ फैल गई और सब इसी के बारे में बात करने लगे। बट रॉबिन्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मीनिंग इज़ यूनिक। दोस्तों, आयरनी इज़ द मेन फीचर इन द पोएम। इस पोएम में जो मेन फीचर है वो आयरनी है। दोस्तों, जो स्पीकर है वो रिचर्ड कोरे के फैक्ट्री में काम करता है। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और जब भी रिचर्ड कोरे मिडिल टाउन जाता था तो सब लोग उसे ताड़ते थे क्योंकि इसकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी यूनिक थी। तो दोस्तों, हम लोग अब पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कुछ समरी थी जो मैं आपको बता दी, अब पोएम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पोएम चार स्टैंजर्स में डिवाइडेड है। व्हेनेवर रिचर्ड कोरे वेंट डाउन टाउन वी पीपल ऑन द पेवमेंट लुक्ड एट हिम ही वॉज जेंटलमैन फ्रॉम सोल टू क्राउन क्लीन फेवर्ड एंड इम्पर्शियली स्लिम। यहाँ पर स्पीकर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और ये रिचर्ड कोरे को पॉइंट कर रहा है। वो बोल रहा है कि जब भी ये हमारे डाउन टाउन आता था तो हम लोग सब इसे देखते थे पेवमेंट के पास खड़े होकर। पेवमेंट का मतलब होता है रोड। ही वॉज जेंटलमैन फ्रॉम सोल टू क्राउन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये किंग से कंपेयर किया गया, मतलब सोल टू किंग, क्राउन किंग पहनता है, ओके, तो किंग से कंपेयर किया गया है। क्लीन माइंडेड पर्सन था वो और दिखने में स्लिम था। सेकेंड स्टैंजा, एंड ही वॉज ऑलवेज क्वाइटली एरीड एंड ही वॉज ऑलवेज ह्यूमन वेन ही टॉक्ड बट स्टिल ही फ्लटर्ड पल्सेस व्हेन ही सेड गुड मॉर्निंग एंड ही ग्लिटर्ड व्हेन ही वॉक्ड। ऐसा लगता था जैसे कि वो हर एक सेकेंड अपने लाइफ की बड़े अच्छे से और एडवांटेज से जी रहा है। दिखने में वो काफ़ी सुंदर तो था ही, कपड़े भी काफ़ी अच्छे पहनता था, बात लोगों से काफ़ी पोलाइटली और इज्जत से करता था और जब भी गुड मॉर्निंग कहता था तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाता था। नाउ कम्स थर्ड स्टैंजा, एंड ही वॉज रिच, यस रिचर देन द किंग and admirably schooled in every grace, in fine, we thought that he was everything to make us wish that we were in his place. और हाँ, ये बहुत रिच है, एक किंग से भी richer है। उसकी जो polite behavior है उससे सबका मन जीत लिया था इसने।
यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि मुझे कहीं ना कहीं उससे हल्की सी जेलस फील होती है और मुझे लगता है कि काश मैं भी रिचर्ड कौरे की तरह अमीर रहता। नाउ वी कम टू द लास्ट स्टैंजा 4। सो ऑन वी वर्कड एंड वेटेड फॉर द लाइट एंड वेंट विदाउट द मीट एंड कर्स द ब्रेड एंड रिचर्ड कौरे वन काम समर नाइट वेंट होम एंड पुट अ बुलेट थ्रू हिज हेड। यहाँ पर स्पीकर कहता है कि जो लोग अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो इतना काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ ब्रेड अफोर्ड कर पा रहे हैं, नॉट मीट। और एक समर नाइट रिचर्ड कौरे खुद अपने आप को मार डालता है, वो गन से शूट कर देता है खुद को और मर जाता है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ये एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, आए बात समझ में। तो दोस्तों ये हमारा समरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।